वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। आज है 12th ऑफ जुलाई एंड फाइनली वो दिन आ गया इन द हिस्ट्री ऑफ HV जब हम जापान की ओवरनाइट स्लीपर ट्रेन के फर्स्ट क्लास पर ट्रैवल करने वाले हैं। तो हाँ, ब्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब दबा दो। अभी रात के 11 बज रहे हैं, मेरे को अपना फ़ोन चार्ज करना है। दिस इज शिन ओसाका स्टेशन और JR लाइन के सेक्शन में हूँ मैं। तो दो सेक्शंस हैं इधर, एक शिनकानसेन वाला जो बुलेट ट्रेन वाला है और एक है JR जो एक्सप्रेस ट्रेन चलती हैं ऑल ओवर जापान। तो हमारी है सनराइज एक्सप्रेस जो कि ओवरनाइट ट्रेन जर्नी है फ्रॉम ओसाका टू टोक्यो। अभी मैं हूँ JR साइड में, 11 बज रहे हैं रात के, काफ़ी खाली हो चुका है स्टेशन, मेरा फ़ोन भी उतना चार्ज नहीं है और खाना मैंने आज अपना मतलब तोड़ना पड़ा, नॉनवेज खाना पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं था, भूख लग रही थी, सुबह से चल चल के थक गया था काफ़ी। तो आज मैंने चिकन खा लिया, पहले बहुत पहले खाया था। तो अभी मुझे फ़ोन चार्ज करना है। मैं 7-Eleven स्टोर में हूँ और यहाँ पे कहीं पे भी, ये कह रहे हैं कि पूरे स्टेशन में कहीं पे भी चार्जिंग सॉकेट्स नहीं है, ये तो दिक्कत वाली बात हो गई है थोड़ी सी। अब देखते हैं अभी कहाँ पे चार्ज करूँगा मैं अपना फ़ोन। ब्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब दबा देना। 300 वीडियोस अपलोड किए हैं और जो ये वीडियो है बहुत ही बहुत ही बहुत ही खास है। इट्स लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू फॉर मी। तो जापान बुलेट ट्रेन जो थी वो तो खास थी ही, ऑफकोर्स आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत लाइक किया। ये वीडियो उससे ज़्यादा भी लाइक करना बिकॉज ये तो पूरी स्लीपर ट्रेन है और जापान की वो भी ओवर नाइट जर्नी, बहुत कुछ दिखाने को है। इस ब्लॉग को एंड तक देखना, टोक्यो में जाके ब्लॉग एंड होगा। तो ये है ब्लेंडेड कॉफी, 7-Eleven में आप कॉफी ले सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देखता हूँ मैं कौन सा यूज करूंगा। We have, तो ये मैंने कॉफी ले लिया है 7-Eleven से, ठीक है, सिर्फ 126 येन की ली है मैंने। अभी ना डिस्प्ले नहीं हो रहा है सनराइज एक्सप्रेस का, मैं हर जगह ढूंढ रहा हूँ, किसी से मुझे पूछना पड़ता है तो मुझे ट्रांसलेटर यूज करना पड़ता है, कहीं कहीं लोगों को इंग्लिश भी आती है। अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ जापनीज लोगों के साथ, अभी तक मुझे 5 दिन हो गए आए हो जापान, इतने ज़्यादा अच्छे हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ आज क्या हुआ कि मैं चला गया वेगन रेस्टोरेंट, मेरे ना होटल के पास में ही था वेगन रेस्टोरेंट, मैं वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद मेरे को लगा चलो खुला होगा यार, कुछ खा लेते हैं, वरना मैं आज चिकन नहीं खाता, अगर मैं वही खा लेता तो अंदर से वो मैम आई, कहती कि इट्स क्लोज। मैंने कहा आई एम सॉरी कि मैं अंदर आ गया गलती से, बाहर मेंशन नहीं था कि वो क्लोज है। आप मानोगे, उन्होंने मुझे फ्री डोनट दे दिया, कहती कि आप अंदर आए, आपको खाली हाथ मैं नहीं भेजूंगी, आप ये डोनट लेके जाओ अपने साथ। इतने कमाल के लोग हैं। अभी से मैंने कॉफ़ी ली तो मेरे पास क्या था ना कि 10 येन कम पड़ रहे थे, बाकी मेरे पास 1000 येन का नोट था, मतलब अगर मैं 1000 देता तो उनको चेंज देने में टाइम लग जाता बहुत लंबा, क्योंकि सिर्फ 176 येन की थी, तो 10 येन कम पड़ रहे थे, मेरे पास चिल्लर था 166 येन का। भाई बंदे ने बोला कि 10 येन मत दो आप, कोई बात नहीं, यू आर स्पेशल बोल रहा था। आज के युग में जहाँ पे इंसानियत किस हद तक पहुँच चुकी है, वहाँ पे ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट अ जेम ऑफ पीपल यार। मैं अभी शिन ओसाका स्टेशन में हूँ और मुझे जाना है ओसाका स्टेशन, ठीक है। तो आप ये गलती मत करना, मेरी ट्रेन ओसाका से है, शिन ओसाका से नहीं है, मैं अभी शिन में था, इसका अगला स्टेशन है ओसाका। 3 घंटे से यहीं पे वेट कर रहा था, बच गया, अच्छा हुआ मैंने किसी से पूछ लिया वरना मिस कर देता। भाई अब जाके पहुँचा हूँ मैं ओसाका, भाई मिस हो जाती ट्रेन, मेरे पूरे पैसे बर्बाद हो जाते। ये ओसाका और शिन ओसाका डिफरेंट है गाइस, याद रखना, भूलियो नहीं कभी गलती से भी। तो ये देख रहे हो जो रेड में लिखा हुआ है 033 टोक्यो ट्रैक 11, ये है हमारी सनराइज एक्सप्रेस। फाइनली गाइस बच गया, मैं वहाँ देख ही जा रहा हूँ। तो वो ओसाका से है, शिन ओसाका से नहीं है। अब ये हमारे पास ग्रीन पास है ना, उसको यूज करेंगे, अब अंदर जाएंगे। यहाँ से है 11, जहाँ से हमारी ट्रेन होगी सनराइज एक्सप्रेस। भैया प्लेटफॉर्म के सामने खड़े हो जाते हैं, गाइस आप मुझको रिस्क नहीं लेना, इधर उधर भटक गया तो बस समझो काम डल जाएगा। ये पहुंच गए प्लेटफॉर्म 11, थंडरबर्ड लिखा है उधर, यहीं से हमारी होगी ट्रेन। थैंक गॉड भाई, कोई भी नहीं है प्लेटफॉर्म में, और सबसे सुंदर सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म यही है 11, जहाँ पे मैं हूँ। ट्रेन भी बढ़िया है हमारी, नो डाउट, बट देखो यहाँ पे लिखा है 11 यहाँ पे आएगी, बट कोई है ही नहीं, आस पास नहीं है भाई साहब। कार नंबर बोलते हैं, ठीक है ना, जापान में यहाँ पे कोच नहीं होता और TT को क्रू बोलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था पहले वाले ब्लॉग में। तो कार नंबर 8 है हमारा, ठीक है ना, तो ये सामने ही आएगा। अभी 12:20 हो रहे हैं और 12 बजे के बाद जापान में सारी ट्रेन हो जाती हैं बंद, शिनकानसेन भी बंद हो जाती है 12 बजे के बाद, 6 बजे खुलती है सुबह फिर शिनकानसेन। और यहाँ पे सन सीतो लिखते हैं, सनराइज सीतो एक्सप्रेस, पता नहीं वो तो शायद यूट्यूब पे फेमस होगा। देखो लिखा है ना ग्रीन कार, ग्रीन स्लीपिंग कार है यहाँ पे, मतलब प्राइवेट कैबिन्स, तो जापान में फर्स्ट क्लास नहीं लिखते, ग्रीन कैबिन्स लिखते हैं। 12 बजे के बाद स्टेशन ऐसे हो जाते हैं पूरे खाली सपाट। जी 13
मतलब साफ सफाई तो आप पूछो नहीं। ओसाका का स्टेशन अगर मैं आप बाहर से दिखाऊंगा आपको तो आपको लगेगा कि कोई मॉल वॉल है, मतलब डेवलपमेंट तो आप पूछो ही नहीं। ट्रेन आती है, मैं मिलता हूँ आपसे, तो अच्छा है कि हमारा प्राइवेट कैबिन है तो अच्छे से व्लॉगिंग भी कर पाऊंगा। पटरियाँ होती है ना, मतलब छोटी हैं थोड़ी सी कंपेयर टू इंडिया, जो डायमेंशन बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो। हमारी जो स्लीपर ट्रेन होती हैं उनकी पटरियों का साइज अलग होता है, कुछ जो डिफरेंस दिखेगा मैं बताता जाऊंगा आपको। और ऊपर से देखो पूरा स्टेशन कवर्ड है। अच्छा वो भाई पानी निकाल लिया मैंने, भूल ही गया था बिल्कुल, गलती से मैंने ना डाल दिया था इसमें नोट डाल दिया था, नोट भी जाता है देखो यहाँ से, ठीक है भाई साहब। इसमें पानी नहीं था, मैं डर गया, मैंने बोला भाई मेरा नोट चला गया, पानी है नहीं। फिर एक भाई थे, उन्होंने बोला कि ये प्रेस कर दो, अगर कैंसिल करना होता है ना तो ये प्रेस कर दो, तो नोट बाहर आ गया। हर कोई एक्साइटेड है इस ट्रेन के लिए। हमारा है कार नंबर 6. Okay. No, I have to. I didn't do. Okay. I'll just throw up. That's okay. तो फाइनली भाई ट्रेन के अंदर आ गया हूँ। 2 मिनट नहीं रुकी है ट्रेन, मेरे को लगा मैं कुछ थंबनेल में ले लेता हूँ, भाई साहब 2 मिनट नहीं रुकी है। और ये है हमारा प्राइवेट रूम ट्रेन के अंदर, सामने शीशा भी है भाई, बिल्कुल अलग तरीका है इसका खुलने का। मतलब ऐसे प्रेस करोगे ना तो देखो, जो जापानीज डोर होते हैं ना वो ऐसे स्लाइडिंग में खुलते हैं, कभी भी अंदर बाहर नहीं खुलते। मतलब चाहे कोई भी होटल में रुको वहां पे भी आपको सेम चीजें मिलेंगी, स्लाइडिंग में खुलते हैं ये। सामने जो है वो सॉकेट है जहाँ पे मैं अपना फोन चार्ज करूंगा, तो ट्रैवल चार्जर अपने साथ कैरी करना, तभी जो है आप इस प्लग में लगा पाओगे। यहाँ पे पानी की बॉटल है और यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट होगी तो वो आपको सुनाई देगी। वहाँ पे लाइट्स हैं, यहाँ पे हम जापान की फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है पिजामास, जिसको आप पहन सकते हो। अंदर वॉशरूम में जाओ, उसको पहन के आ जाओ, बहुत क्लीन है, पहन के आओ आराम से सो जाओ। कल्चर है कि पिजामास और सॉक्स हमेशा मिलती है, और स्लीपर्स भी मिली है, स्लीपर्स ऑलरेडी रखी हुई है इधर। यहाँ पे एक ये है, ये बाथरूम स्लीपर्स है तो बाथरूम के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, ऑलरेडी पड़ी हुई थी। ये जो है मैं बाद में पहनूंगा, देखो बो वगैरह भी दिया है यहाँ पे, पूरा बाथरूम है ये। यहाँ पे पिलो वगैरह है, काफी डिफरेंट क्वालिटी का है, और यहाँ पे ब्लैंकेट दी है कॉटन की प्रॉपर। अंदर देखो यहाँ पे हैंगर वगैरह भी दिया है, यहाँ पे स्मोक अलार्म है, स्मोक आप नहीं कर सकते ट्रेन के अंदर। यहाँ पे ये आप चाहो तो एसी तेज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो एसी तेज हो जाएगा। ये है SOS इमरजेंसी का बटन। ये है देखो यहाँ पे स्विचेस दिए हुए हैं, यहाँ पे टाइम चल रहा है 12:49 हो रहा है अभी जापानीज टाइम, मतलब इंडिया में अभी हो रहा होगा लगभग 9:30। यहाँ पे कुछ FM का ऑप्शन है, ये देखो, ये इन दोनों को मैं बंद करूंगा तो लाइट बंद हो जाएगी, ये चालू करूंगा तो लाइट चालू हो जाएगी। ये है अगर हीटर चालू करना है तो इसको घुमाना पड़ेगा, ठीक है, अगर मैं इसको पूरा घुमा दूंगा तो हीटर शुरू हो जाएगा। वो ठंडियों में होता है जब आपको यहाँ बर्फ मिलेगी ना पूरी जापान में, तब होता है। ये बेड का साइज काफी बढ़िया है गाइस, मतलब रूम मिला है हमको इस ट्रेन के अंदर, रूम मिला है। पहली बार ही हो रहा है कि मैं ऐसे एक रूम के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब हाँ जो आप फर्स्ट क्लास कूप देखते हो एसी इंडियन रेलवेज में वो अलग होते हैं, ये तो एक लग्जरी रूम है, प्रॉपर रूम दे दिया, और डबल फ्लोर की ट्रेन है तो मेरा बेसमेंट में है, ऊपर भी जो है रूम्स वगैरह दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो प्रॉपर, ताकि आपके सर पे लगे ना, बाकी मेरा ये बैग बहुत बड़ा मैं कैरी कर रहा हूँ, ऑब्वियसली गाइस 2 हफ्ते के लिए आया हूँ जापान तो सामान तो लेके आऊंगा ही। एंड दिस इज द ओवरऑल टूर ऑफ माय कैबिन। अब मैं चलता हूँ बाहर, आपको बहुत चीजें दिखानी है। एक सबसे बढ़िया चीज मुझे क्या लगी ना, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, व्हेन द बटन फ्लैशिंग द रूम इज लॉक्ड। मुझे लग रही है थोड़ी भूख, आपको पता ही है मैं काफी कम ही खा रहा हूँ, बट आई मेक श्योर कि मैं खाना अपना बढ़िया खाऊं, न्यूट्रिशन प्रॉपर लू। अपना न्यूट्रिशन मैं इंडिया से ही लेकर आया हूँ तो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं फटाफट। सुबह मैंने इतना वर्कआउट कर ही लिया है, 10-15 पुशअप मैंने होटल में मार लिए थे, इतने कार्डियो हो ही गया, तो न्यूट्रिशन मैंने अपना निकाल लिया है। भाई अपन एक शेक पियेंगे, बस शेक पी के सीधा सोएंगे और यही अपना खाना रहेगा। अगर ट्रैवल करना है तो फिट भी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लेता हूँ बिग मसल न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे प्रोटीन, तो हाँ वर्कआउट
मेरा चल ही रहा है साथ, कार्डियो बहुत डेली बेसिस पे चल रहा है। मैं अपना प्रोटीन कभी मिस नहीं करता और हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ ट्रैवल करते वक्त। तो ये मैंने ऑर्डर किया बिग मसल्स की ऑफिशियल वेबसाइट से, और देखो इसमें ना एक ट्रस्ट की सील भी लगी हुई है। जब मैंने स्कैन किया तो मुझे इसकी लैब रिपोर्ट आ गई, तो और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने अपनी लैब से भी इसको चेक करवाया, तो हाँ दोनों में प्रोटीन बिल्कुल ही सेम था, ट्रस्ट का सवाल ही नहीं उठता। एक स्कूप में 25 ग्राम्स प्रोटीन है, 5.5 ग्राम्स BCAA मिल जाता है, 4 ग्राम्स ग्लूटामीन है इसके अंदर, और अमेज़न और फ्लिपकार्ट का तो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। तो हर तरीके से सिक्योर्ड, हर तरीके से प्रूव्ड, मिक्सिबिलिटी बहुत एक्सीलेंट है, मतलब एक ही बार पानी में जाके एकदम मिल जाता है। तो काफी जेन्युइन प्रोडक्ट लगा मुझे, प्राइस भी इसका बहुत ही बढ़िया है, मतलब 1599 में 1 kg की सर्विंग्स हैं। बाय फार वन ऑफ दी टेस्टीएस्ट प्रोटीन। तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके परचेज कर लो। ये देखो भाई ट्रस्ट सील लगी हुई है, तो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके परचेज कर लो। और अगर ट्रैवल के वक्त अपने आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो ना, सो दिस इज द थिंग यू शुड हैव। इसको भी खोलते हैं। तो सिक्योरिटी रीजन से यहाँ पे लॉक देखो ऐसा होता है, मतलब आप लॉक लगा सकते हो उसमें, वो पिन कोड डालोगे तो ही खुलेगा, और लॉक भूल गए तो भूल गए, समझ। यहाँ पे रीड कर सकते हो, क्लोज द डोर एंड टर्न द नॉब टू द पोजीशन केस ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक। भाई कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, ये लॉक हो गया, खोलना है तो मैं ऐसे उसको लॉक भी कर सकता हूँ यहाँ से कोड लगा के, बट मुझे भी कुछ भी पंगेबाजी नहीं करनी, फंस गया तो। ये देखो ये बेसमेंट है जहाँ पे मैं अभी हूँ, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर कैसा है। और ये है ऊपर वाले कैबिन्स, और मेरा है नीचे वाले कैबिन में। तो ये भी फर्स्ट क्लास कैबिन है। मैं देख रहा हूँ कि आपको सारे कैबिन दिखा दूँ, मेरा एम वही है। फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं आया है, तो ऐसा होता है भाई पूरा फर्स्ट क्लास कैबिन। दरवाजे ना आपको यहाँ पे हाथ लगाना पड़ेगा तब खुलते हैं, वरना नहीं खुलेंगे। और अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवलिंग करते हो तो आपको बाथरूम कुछ ऐसे मिलेंगे फैंसी से। जापान में कई बार पानी ना टैप वाटर भी पिया जाता है, बट ये नहीं है, इसमें लिखा है डू नॉट ड्रिंक। और ये ऑटोमेटिक है, सेंसर से पानी आएगा। यहाँ पे देखो सोप भर के दिया हुआ है, यहाँ पे सॉकेट भी दिया हुआ है। ये है वॉशरूम ग्रीन कार का, कि काफी बढ़िया लग रहा है। ऊपर देखो यहाँ पे टिश्यू पेपर वगैरह दिए हुए हैं, यहाँ पे भी टिश्यू पेपर दिए हुए हैं। और इसकी जो कमोड सीट है वो भी बिल्कुल एग्जॉटिक ही है, जैसे कि आप सोच सकते हो, और अंदर से कुछ ऐसा है। और इसमें मेंशन है कि ये कार नंबर 7 है, हमारा 6 है, तो आप देख के समझ सकते हो, कंफ्यूज नहीं होगे। तो ये सारा ही ग्रीन कार है, प्राइवेट कैबिन्स है। और ये आई थिंक स्मोकिंग वाला लग रहा है मुझे, ये 6 में आ गए फिर से। और ये है जिसमें मतलब कोई प्राइवेसी नहीं है, सारे बेड्स एक के ऊपर एक, डॉर्मेटरी स्टाइल है, पर बाथरूम एक जैसा है, इवन डॉर्मेट्री स्टाइल का। द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज ट्रेन्स, शावर रूम भी है, और शावर रूम अभी मैं शावर लूंगा तो नहीं, क्योंकि गाइज मन तो है वैसे लेने का, बट इतनी दूर से आऊंगा इधर लेने के लिए, इतनी देर में तो भाई साहब चल चल के सुबह से वैसे ही मेरी बैंड बच चुकी है। एनीवे मैं दिखाता हूँ शावर रूम में, देखो हेयर ड्रायर वगैरह भी दिया हुआ है, गर्म हवा आ रही है इसमें से। और शावर रूम के लिए ना आपको कार्ड चाहिए होता है, ये कार्ड चाहिए होता है। अब कार्ड कहाँ से मिलेगा कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं, बट हाँ ये शावर रूम है। अभी ये लॉक है, ये खुलता भी है, कोई तरीका होता है इसका, नॉट श्योर। अभी लोगों ने शावर लिया है, कैसे होगा ये पता नहीं भाई, कुछ का कुछ मैं दबा दूँ, बट ये शावर रूम है, नॉट इंसर्ट बेड। कार्ड मिला नहीं है, पता नहीं कार्ड कैसे मिलता है कैसे नहीं मिलेगा। डस्टबिन वगैरह भी है यहाँ पे, इसको पकड़ने का दिया है क्योंकि ट्रेन हिल रही है काफी ज्यादा। ये यहाँ पे आप कपड़े वगैरह आप रख सकते हो, वो भी चीजें दी है। और नीचे से जो पूरा ये जो बनाया है ना, मतलब जैसे आप नहा के निकलोगे तो पूरा पानी जो है सोख लेगा। एंड द बेस्ट पार्ट, इसको मैं ढूंढ रहा था ट्रेन के अंदर, ये मशीन भी है, वेंडिंग मशीन। तो अगर आपको कोक पीनी है, पानी पीना है, तो आप ले सकते हो, जैसे मैं पानी पीने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे मिलेगा नहीं। ट्रेन के अंदर वेंडिंग मशीन है गाइस। और ये देखो द बेस्ट पार्ट, ट्रेन के अंदर ही डाइनिंग कार है, यहाँ पे बैठ के आराम से आप अपनी ड्रिंक इंजॉय कर सकते हो और बाहर के नज़ारे देख सकते हो। कितनी कमाल की चीज़ है ना। और जो भी अगर कोई अपने साथ खाना लाया है, अगर उसमें नॉर्मल वाले क्लास में ट्रैवल कर रहा है जिसमें वो बंकर्स हैं, तो अगर वो नहीं चाहता कि किसी के सामने खाना खाए, तो यहाँ पे आके खा सकता है। डाइनिंग कार बनी हुई है उनके लिए, इतनी मस्त चीज है यार, वाओ। और डाइनिंग नंबर ये 3 नंबर पे, 3 नंबर कोच में, इसी को मैं ढूंढने आया था। आ गया पानी, आ गया भाई। अरे गाइस पता है पूरे जापान में ना देखो पानी इतना छोटा छोटा देते हैं भाई, 2 मिनट में खत्म भी हो जाता है। एनीवे और देखते हैं कुछ और अगर हो दिखाने के लिए, बाय द वे ये प्राइवेट रूम्स हैं सारे।
पूरा ट्रेन घूम के आ गया। वो वेंडिंग मशीन्स एक पीछे है जो आपने देखा होगा, बिल्कुल उस साइड जहाँ पे मैं गया, एक और वेंडिंग मशीन है वो आगे साइड है। पानी आप ले सकते हो, डाइनिंग कार आगे भी है, शावर रूम एक ही है और शावर रूम जो है वो पेड है और कुछ पैसे देने पड़ेंगे आपको, मतलब और हाँ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ही आप नहा सकते हो। एनीवे इसमें पानी डालते हैं। एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ आपको, ये देखो जब ये सब लाइट बंद हो जाएगी ना, बाहर के सारे नजारे आप देख सकते हो, पूरा जापान देख सकते हो। बाय द वे अभी मुझे लग रही है थोड़ी भूख, आपको पता ही है मैं काफी कम ही खा रहा हूँ, बट आई मेक श्योर कि मैं खाना अपना बढ़िया खाऊं, न्यूट्रिशन प्रॉपर लूं। पानी मैंने बाहर ही रख लिया है, ठीक है ना, ये पानी मैंने पी लिया है, बैग मैंने यहाँ पे रखा है, ये पहनते हैं और ये पहन के थोड़ी देर सोएंगे, एसी जो है, और हाँ जो अभी कपड़े पहने हम इसको हम यहाँ टांगेंगे, सब कुछ दिया हुआ है। मतलब सीरियसली यकीन नहीं हो रहा कि मैं जापान की ओवरनाइट ट्रेन पे बैठा हूँ। अगर यहाँ तक व्लॉग देखा है, इस मोमेंट तक व्लॉग देखा है, तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को मैक्स से मैक्स शेयर करना जितना कर सकते हो, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिख के बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो गाइज अपन ने पहन लिया ये नाइट सूट, अब आ रही है नींद बहुत ज़बरदस्त। तो ये अपना बेड है, बेड तैयार, नाइट सूट तैयार। अब पहली बार हुआ है कि ट्रेन के अंदर मैंने कुछ टाइप का नाइट सूट पहना है, देखो ये जापनीज नाइट सूट, इसको पहन के आराम से सोएंगे। अभी जो भी होगा बीच बीच में मैं आपको दिखाता जाऊंगा। एंड अभी हम होके जाएंगे क्योटो, होके जाएंगे योकोहामा भी होके जाएंगे, मतलब 4-5 स्टॉप्स हैं हमारे, उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। सो फार सो अमेजिंग, बताना कमेंट करके कि ये नाइट सूट कैसा लग रहा है। इसको मैं खोल दूंगा क्योंकि बाहर के नज़ारे मुझे देखने हैं। हाँ कुछ ऐसा लगता है, नाइट बढ़िया लग रहा है ना। मेरे कपड़े थे, मैंने इसको यहाँ टांग दिए हैंगर में, ठीक है, ये टी शर्ट, ये पैंट और ये बैग, क्योंकि जगह थी नहीं, इसको यहीं रखना पड़ा, तो ये वहीं पड़ा है। और अलार्म वगैरह भी लगा सकता हूँ, FM वगैरह भी सुन सकता हूँ, और देखूंगा जो जो मुझे मिलेगा मैं बताऊंगा आपको। यहाँ रख देते हैं, बाय चांस अगर वो क्रू आएंगे तो मैं उनको दिखा सकता हूँ। सब कुछ लग रहा है मेरा प्राइवेट कमरा, देखो ये मैंने कपड़े टांगे, ये मेरा बैग। जापनीज फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हो तो कोई जरूरत नहीं है कि आपको शूज हमेशा पहनने हैं, शूज को रखो साइड पे, स्लीपर दिए उसी को यूज करो बाथरूम के लिए, अंदर जाने बाहर अंदर बाहर के लिए। 6 घंटा आप ट्रेन में हो, जूते बिल्कुल साइड पे रख दो। और ये जो बाथरोब पहना है, बाथरोब बोलोगे इसको, नाइट ड्रेस बोलोगे, यही पहन के घूम सकते हो ट्रेन में, हर कोई यही पहन के घूम रहा है, सब रिलैक्स होके घूम रहे हैं, कोई किसी ने भी ये कपड़े नहीं पहने हुए अपने। सुबह 6 बजे जब आएगा टोक्यो तब सब कपड़े बदलेंगे, और खोलना हो तो उसको ऐसे करना है। अब देखो ये मैंने लाइट बंद की, सारा कुछ मुझको दिख रहा है बाहर का, आपको नहीं दिख रहा होगा, और लाइट बंद करके भी टाइम हमेशा आपको दिखता रहेगा, ताकि अगर आपको कहीं बीच में उतरना हो तो टाइम ऐसा ना हो कि आप टाइम मिस आउट कर जाओ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ कल सुबह, कहीं तो मिलता हूँ पता नहीं। ये देखो ये शायद अलार्म का भी ऑप्शन है इसमें, ताकि आप उठ सको। इसको बंद करता हूँ मैं, सी यू बाय। इससे बेहतर कुछ नहीं होता गाइस, रात में बैठ के आराम से पूरा जापान देखो इस कमरे के अंदर, कमाल की चीज है, एक बार आपको जरूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए ये ट्रेन। तो कोई स्टेशन है मायबारा, उस साइड आया है, वहां पे आके रुकी है हमारी ट्रेन, पूरी रोशनी अंदर आती है, मैंने अभी तक तो खोल के रखा है, मैं चाहूँ तो उसको बंद भी कर सकता हूँ, यहाँ से पूरे अंधेरे में सो सकता हूँ, लेकिन आज की रात तो ऐसी है ना, सोने का कोई मतलब ही नहीं है। अभी तो मैं कंफ्यूज आ गया हूँ कि तो अभी हम नगोया में आ गए हैं, तो अच्छा खासा मैं सो रहा हूँ, नींद भी आ रही है, मतलब इतनी हिलती भी नहीं है ट्रेन। तो अभी नगोया मतलब काफी बड़ा स्टेशन है गाइस, और स्पीड इसकी होगी कम से कम 150-170 तक तो जा रही है इजीली। कौन चीज देखी, से अगर कोई स्टेशन में कोई पैसेंजर नहीं है, सपोज नगोया से कोई नहीं चढ़ा ट्रेन के अंदर, तो वहां पे 1 मिनट में ही ट्रेन चल पड़ेगी। इंडिया में ऐसे होता है ना कि अगर स्टॉप 5 मिनट का है या 10 मिनट का है, तो 10 मिनट रुकती ट्रेन है, उसके पहले जाएगी नहीं। जैसे अभी हमारी ट्रेन 10 मिनट लेट चल रही है, तो उसको कवर करने के लिए कोई भी नहीं है, तो निकाल देंगे वो। ये चीजें होती हैं, और गेट्स भी तब बंद होते हैं ट्रेन के जब पूरे प्रॉपर पैसेंजर अंदर आ जाते हैं, तो कोई एक गार्ड होता है वो देखता रहता है, मतलब देखता रहता है कि कोई पैसेंजर कहीं फंसा तो नहीं है या चढ़ा नहीं है ट्रेन के अंदर, तो ऐसे बंद नहीं होती है वो, पहले मतलब देखते हैं पूरा प्रॉपर कि हाँ अब कोई भी नहीं है पैसेंजर चढ़ने वाला, तो बंद करते हैं। और मैं मतलब 2 मिनट में सब चढ़ ही जाते हैं, कोई भी ऐसा बाहर रहता नहीं है। तो हाँ इंडिया का सिस्टम थोड़ा अलग है, और हर जगह लाइन मिलेगी आपको एवरीवेयर, ट्रेन के अंदर जाने से पहले लाइन मिलेगी, जो बाहर आने वाले पैसेंजर से पहले बाहर निकलेंगे, कोशिश भी नहीं करता अंदर जाने की जब तक सब कोई बाहर ना आ जाए, उसके बाद जाएंगे सब पीछे लाइन पे लगे रहेंगे, सब एस्केलेटर में सब राइट पे खड़े रहेंगे, लेफ्ट जगह छोड़ देंगे, जिनको पहले जाना तो वो पहले जा सकते हैं। बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक है गाइस, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन,
सिस्टमैटिक पेशेंस है लोगों में, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो गलती से भी धक्का लग जाए तो सॉरी माफी मांगने लगते हैं वो लोग। ये मैं बात कर रहा था, वो वेगन रेस्टोरेंट में गया था मैं और वहाँ पे मुझे खाना नहीं मिल पाया था, तो वो आंटी ने मुझे ये दे दिया था फ्री में, क्योंकि इसलिए दिया क्योंकि मैं अंदर आया, उनका मतलब था कि मैं खाली हाथ ना जाऊँ, इसलिए ये देख रहे हो यार। तो मैं आपसे कल कहाँ मिलता हूँ, कल मैं आपको ना वेंडिंग मशीन दिखाऊंगा आगे वाली, अभी आपको मैंने यहाँ वाली दिखाई है, मैं आपको आगे वाली दिखाऊंगा। कोई स्टेशन आया है और हमारा जो है ना ये बेसमेंट में है एक्चुअली, ये प्राइवेट रूम। भाई साहब बाहर देखो कैसा लग रहा है, प्लेटफॉर्म बिल्कुल बगल पे ही है और एक भी बंदा नहीं है। देखो रात में पूरा स्टेशन खाली, कोई नहीं, सपाट पूरा एम्प्टी। प्रॉपर सनराइज हो चुका है, प्रॉपर सुबह हो चुकी है, अभी टाइम हो रहा है 5:43। कोई तो स्टेशन है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, सपोज अगर स्टेशन उस साइड आया है ना, उसके ऑपोजिट नाम नहीं होता कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं नेम नहीं है लिखा हुआ स्टेशन का। अभी टाइम देख लो 5:44 हो रहा है और हम लगभग अराउंड आप कह सकते हो 7:30 बजे तक पहुंचेंगे। तो अतामी करके कोई स्टेशन है, यहाँ से 105 किलोमीटर दूर है टोक्यो, ठीक है। अब जो भी कुछ इंटरेस्टिंग होगा मैं आपको दिखाता हूँ। जापान में 7 means 7, तो 7 बजे का टाइम था। अब ट्रेन में लगता है कवर कर चुकी होगी और अभी हम कोई विलेज में हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर आप सबवे में हो ना, मतलब अगर आप ट्रेन में हो विद इन सिटी, मेट्रो से ट्रांसफर कर रहे हो, तो टनल्स के अंदर भी नेटवर्क मिलेगा। मतलब पूरे टोक्यो में, पूरे ओसाका में, पूरे अंडरग्राउंड थे हम, तो भी मेरा नेटवर्क फुल था। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज है, चाहे कुछ भी हो जाए नेटवर्क नहीं जाएगा, पूरे जापान में नेटवर्क आपका फुल रहेगा, नीचे जाता ही नहीं है, तो ये बहुत कमाल की चीज है। और वो जगह देख रहे हो वो एक्चुअली माउंट फुजी है, अगेन दूसरी बार निकल रहा हूँ माउंट फुजी के सामने से, बट माउंट फुजी दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ बादल बहुत है। तो मैं अच्छे से टांग के जाऊंगा, ऐसे नहीं रखूंगा, लेके नहीं जा सकते हो, तो गलती से सोच मत लेना कि मैं इसको घर ले जाता हूँ, इसको यही टांगना पड़ेगा वापस, अच्छे से रखना पड़ेगा। ये घर ले जाने के लिए नहीं है, ना ही स्लीपर्स घर ले जाने के लिए है, कुछ भी आप घर नहीं ले जा सकते। तो ये डाइनिंग कार देखो, क्या नज़ारे लग रहे हैं इस डाइनिंग कार से। कल रात में आया था मैं उस साइड वाले गया था डाइनिंग कार में, ये डाइनिंग कार नहीं एग्जैक्टली नहीं है, डाइनिंग कार ही बोल, पर यहाँ बैठ के अगर आप कोई ड्रिंक भी इंजॉय करो, पेप्सी कुछ भी, मजा आ जाएगी। सीरियसली ये जो चीज लगी ना मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगी इस ट्रेन की, मेरे शूज वगैरह वहीं पड़े हुए हैं, तो जो स्लीपर्स मुझे ट्रेन में मिली है ना मैं यही पहन के आया हूँ। बहुत कंफर्टेबल स्लीपर्स हैं और जापानी स्टाइल स्लीपर्स हैं। इसके आगे का शेप थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा सा पॉइंटी है, टिपिकल जापानी स्टाइल, कितना क्यूट सा लग रहा है। लोग कुछ लेते हैं, कुछ ठंडा पीते हैं सुबह सुबह, हालांकि कोई कॉफी ऑफी हो, एनर्जी माउंटेन जॉर्जिया ब्लेंड कॉफी मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। मेरे पास नोट हो चाहे सिक्का हो, चेंज की पूरे जापान में प्रॉब्लम है ही नहीं। अभी इंडिया में भी UPI आ गया, 100 का डाला मैंने, और जब पैसे डालते हो ना तो यहाँ पे लिखा आ जाता है, फिर मैंने 10 डाला और फिर मैंने एक और 10 डाला। और यहाँ पे ये भी नहीं है कि आप गलती से भूल गए कि अरे बाप रे कितने पैसे डाल दिए मैंने, ज़्यादा तो नहीं डाल दिए, ऐसा होगा ही नहीं कभी, क्योंकि जितना डालोगे यहाँ पे लिखा आ जाएगा, ये झूठ नहीं बोलता। ये भी मस्ती है, 130 चला गया, ठीक है। अब जितना भी 130 का जितना भी सामान होगा उसमें लाइट जल जाएगी। अभी जॉर्जिया कॉफ़ी पीनी है सुबह सुबह, नींद खोल ली, ठीक है, मैंने प्रेस किया, ये आ गई अपनी जॉर्जिया कॉफ़ी सुबह सुबह। सो फार सो अमेजिंग। और इस कॉफ़ी को हम इन्जॉय करेंगे किधर, इधर इन्जॉय करेंगे। अभी हम टोक्यो से 50 किलोमीटर दूर हैं, तो कोई तो स्टेशन था भाई, भर भर के लोग हैं उधर, खत्म करता हूँ बस, हम पहुँचने वाले हैं टोक्यो हाफ एन आवर में। अगर बात करूँ मैं प्राइस की, तो लगभग अराउंड 20,000 yen की टिकट है ये वन वे, लगभग 11,000 रुपये लगेंगे आपके फ्रॉम ओसाका टू टोक्यो अगर आप ट्रैवल करते हो प्राइवेट कैबिन्स में। देखो भाई यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ तो अनाउंस कर रहे हैं, तो सारे कैबिन्स में स्पीकर दिया होता है कुछ अनाउंस करना हो तो। और ये देखो कि स्टेशन आया है, सबके जूते दिख रहे हैं यहाँ से। ये जो मेरा है ना बेसमेंट में है, मतलब नीचे है एक्चुअली। मैं लाइट चालू कर देता हूँ। अभी हम हैं योकोहामा में, योकोहामा भी काफी फेमस प्लेस है, यहाँ पे कोई यूनिवर्सल स्टूडियो है, बहुत लोगों के DMs आ रहे हैं हरी भाई योकोहामा में जाके ना बनाओ एक वीडियो यूनिवर्सल स्टूडियो पे, बट पता नहीं गाइस इतनी चीजें आप लोग कह रहे हो कि मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या बनाऊँ क्या क्या छोड़ूं। तो देखूंगा टाइम मिला तो पक्का यूनिवर्सल स्टूडियोज में आके एक वीडियो
वीडियो बनेगी। डस्टबिन किधर है मैं दिखाना भी भूल गया, ये देखो ये पॉलिथिन देख रहे हो, ये है डस्टबिन, यहाँ चाहो तो आप सब डाल सकते हैं, ये सब चीजें मैं डस्टबिन में डालने वाला हूँ। सब कुछ अच्छा ही करके जाऊंगा, ऐसा ना लगे ना कि भाई कोई आया जिसने इतना गंदगी की है। अभी आखिरी एक घंटा एंजॉय करेंगे। ये मैंने यहाँ टांग दिया है, इसकी जो ये थी बेल्ट उसको भी टांग दिया है। बाकी मैंने कॉफी यहाँ रख ली है और यहाँ कॉफी रख के आराम से कुछ नज़ारे एंजॉय करते हैं और इसको पूरा खोल देते हैं क्योंकि अभी धूप नहीं है और बाहर देखते हैं। ठीक है, ये SOS भी है कुछ इमरजेंसी हो बाय चांस। और ये स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग रूम है तो यहाँ स्मोकिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है, स्मोकिंग एरिया अलग होता है। ठीक है, टाइम हो रहा है 6:38। तो ये बड़ी बिल्डिंग का मतलब है टोक्यो आने वाला है। इसको हम निकालते हैं तो देखो जापान में इसको ऊपर करोगे तो चालू होगा, नीचे करोगे तो बंद होगा। और ये पिनर वाला लेकर आना, ट्रैवल अडैप्टर कैरी करना गाइस, फंस जाओगे अगर बाय चांस इसको कैरी नहीं किया तो। तो गाइस फाइनली वी आर रीचिंग टोक्यो, ये बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स देखने लगे हैं समझ जाना। एनीवे वी आर गोइंग टू टोक्यो टर्मिनल, तो टोक्यो में भी भाई कम से कम 10-15 स्टेशन होंगे। टोक्यो टर्मिनल से चलती है JR लाइंस की ट्रेन, जैसे कि ओसाका से चलती है JR लाइंस की ट्रेन, और जो शिनकानसेन है वो शिन स्टेशन से चलती है ज्यादा। ठीक है ना, तो बहुत फर्क है। तो जब भी आप पकड़ोगे सनराइज एक्सप्रेस तो ध्यान रखना है सब चीजों का, मतलब अगर वो भाई नहीं बताते ना तो ओसाका से आपको पकड़नी है ट्रेन, मेरी छूट गई थी ये ट्रेन पक्का। We are in Tokyo finally. तो फाइनली आ गए हैं, अब देखते हैं भाई आज का मेरा क्या प्लान बनता है। पहले मैं देख रहा हूँ कि मैं सब कुछ रख लिया हूँ ना, कुछ भूला तो नहीं हूँ। तो गाइस वहाँ पर जाके सामान रखूंगा, ये भाई 20 किलो की चीज मैं लेके कहीं ट्रैवल नहीं कर सकता। सामान रखने के बाद हम आज का दिन प्लान करेंगे और हॉस्टल जाके ये ब्लॉग को एंड करेंगे। मैं वॉक कर रहा था, अभी मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल, तो सामने एक अंकल आ गए, मतलब उनकी एज होगी 70, बैग लेके आ रहे थे, मतलब एक सूटकेस लेकर आ रहे थे। तो हम दोनों ये पोल के बगल में दोनों साथ में आ गए, मतलब एक ही निकल सकता था। तो मैं रुक गया, मैंने बोला कि सर प्लीज़ यू गो, तो वो माने ही नहीं, बोलते प्लीज़ यू गो, फिर मुझे निकलना पड़ा एक स्माइल पास करके। तो आप समझ रहे हो ना, मतलब ऐसे इंसिडेंट्स हैं मेरे पूरे मतलब अभी जर्नी में कि अनबिलीवेबल है यार, सीरियसली। तो अभी मैं जहाँ पे रुका हूँ ये एरिया बहुत ही अच्छा है, आका साका नाम है इसका। तो जिस होटल में रुका हूँ मुझे 2 दिन की बुकिंग मिली है, मैंने कोशिश की कि मुझे मिल जाए और दिन की, नहीं मिल रही। ये कैप्सूल होटल है, प्रॉपर कैप्सूल होटल जो जापान का सबसे फेमस है। देखो ये ग्रीन पाथ यही है वॉकिंग के लिए, रोड तो ऐसी है कि गाइस अब क्या ही डिस्क्राइब करूँ, आप देख ही रहे हो। तुम्हारा होटल है ना ये है, देख रहे हो बाहर से लग रहा है ना मुकेश अंबानी का घर। एनीवे एंटर करते हैं, देखते हैं एंट्री कहाँ से है। गाइस आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना, इस व्लॉग को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, इस वीडियो को शेयर करना आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो, बहुत मेहनत लगी है, ये आपका सपोर्ट ही था अभी तक जिसकी वजह से मैं ये वीडियो कर पाया। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग इस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो कर सकते हैं। बाय।